सिंगरौली जिले के चितरंगी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता कमलेंद्र प्रताप सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई थी। अब इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने बीजेपी पर धोखे से सदस्य बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी जिला पंचायत सदस्य कमलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें धोखे से भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी। उन्हें नहीं पता था कि मोबाइल से भाजपा की सदस्यता दिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जिन्होंने मेरा मोबाइल लेकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि मीडिया में मेरे भाजपा की सदस्यता लेने की बात चल रही है, तब मुझे पता चला कि मुझे भाजपा का सदस्य बना दिया गया है, जबकि मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। हम कल भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं और आने वाले समय में भी कांग्रेस में रहेंगे। जो ये बात मीडिया में चल रही है कल परसों से, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ भाजपा के लोग हमारे घर आए और हमें नहीं पता था कि OTP के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से सदस्यता अभियान चल रहा है। मेरा मोबाइल रखा था, उसमें कुछ छेड़छाड़ किए लोग और उसमें मुझे सदस्य बना दिया गया। और मैं इस बात से खंडन करता हूँ कि मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।